नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी आई में आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव रिसेंटली ये न्यूज आई है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेट अप लेजिस्लेटिव काउंसिल तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे बनाई जाती है फिर कैसे डिजोल्व की जाती है तो यहाँ पे हम लोग एक डिटेल चर्चा करेंगे अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किस तरह काउंसिल बनती है क्या है काउंसिल के उपयोग द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द काउंसिल और इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड कर लिया है कि काउंसिल बनाएंगे तो ये कब बन सकती है इसके ऊपर भी हम लोग एंड में चर्चा करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दीज आईडीज आर गिवन हियर इसके अलावा अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट है गुड न्यूज फॉर यू आप घर बैठे सेफली प्रिपेयर कर सकते हो हमारे स्मार्ट कोर्स के साथ जहां पर प्रलिम्स और मीन दोनों का कंटेंट है जस्ट विजिट स्टडीओ या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप No चलिए बात करते हैं खबर के बारे में आपको बता दिया है कि न्यूली इलेक्टेड जो वेस्ट बेंगाल की गवर्नमेंट है जिसको लीड कर रही है ममता बैनर्जी दे हैव डिसाइडेड टू क्रिएट अटिव काउंसिल इन वेस्ट बेंगाल अब ये डिसीजन क्यों लिया गया इतनी जल्द क्योंकि अगर हम लोग बात करें तृणमूल कांग्रेस उनके इलेक्शन के मैनिफेस्टो में यह था कि अगर हम जीतेंगे तो हम यहाँ पे एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे तो इलेक्शन में जो प्रॉमिस किया था उसको जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं अगर आपको देखना है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल पहले वेस्ट बंगाल में थी या नहीं देखिए वेस्ट बंगाल में शुरुआती दौर से एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जरूर थी 1969 तक थी लेकिन 1969 में जब लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट आई तो उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटा दिया इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें बाई कैमरलिज्म की यानी कि दो हाउसेस के बारे में हम लोग जानते हैं कि हमारे संसद में दो हाउसेस हैं एक लोकसभा है एक राज्यसभा है वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट की भी सेटअप कुछ ऐसी ही है लोअर हाउस है और अपर हाउस है लेकिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एक डिबेट छिड़ गया कि क्या हमें हर प्रोविंस के लिए हर राज्य के लिए दो हाउसेस बनाने चाहिए या नहीं चाहिए इनफैक्ट इसके ऊपर एक काफी लंबी चर्चा हुई जिसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे कि दोनों पॉइंटर्स आए कुछ लोगों ने कहा कि होनी चाहिए कुछ लोगों ने कहा कि नहीं होनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए सबसे पहली बार इंडिया में इंडिया में बाई कब आया फ्राम विच एक्ट इट इज फ्रॉम ब्रिटिश टाइम्स ब्रिटिश टाइम्स के दौरान किस एक्ट में बाई कैमेरिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में फ्रॉम प्रलिंस पॉइंट ऑफ व्यू बिकम्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको यह ध्यान देना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव जो था उसमें भी प्रावधान था कि प्रोविंस में बाई कैमरलिज्म ला सकते हैं तो डिबेट के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे लेकिन अभी चर्चा करते हैं कि, कि किस तरह से मैं लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकता हूं देखिए अगर हम लोग संविधान की बात करेंगे इन द स्टेट राइट अब यहां पे कौन बना सकता है एक लेजिस्लेटिव काउंसिल आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो पार्लियामेंट मे बाय लॉ

of 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 the the total membership of the house and also a majority of not less than two-thirds members present and voting आपको ये देना है मेजोरिटी ऑफ टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग अब इसके अलावा आपको याद होगा आर्टिकल टू फोर्टी नाइन में एक अलग टाइप की मेजोरिटी है जहां पे राज्यसभा कैन सिंपली पास अ रेजोल्यूशन By क्या होता है कि किसी भी राज्य सरकार के सब्जेक्ट के ऊपर सरकार लॉ बना सकता है तो यह आपको आर्टिकल टू फोर्टी नाइन में मिलेगा राइट डिफरेंट तो टाइप की मेजोरिटीज है मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जो भी एस्पिरेंट्स है वो एक लिस्ट बनाए वॉट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मेजोरिटीजर अवेलेबल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन

तो आपको ध्यान रखना है फ्रॉम प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जरूरी पॉइंट है स्टेट गवर्नमेंट इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करता है लेकिन पार्लियामेंट इसको एक सिंपल मेजोरिटी से जब पास कर देगा तब लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाएगी या फिर अबोलिश हो सकती है राइट तो ये है प्रोसीजर अब बात करते हैं डिबेट के बारे में कि जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल है सेकेंड हाउस है क्या उसकी जरूरत है या नहीं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में काफी डिबेट किया गया देखिए चर्चा का विषय बना बहुत से लोगों ने कहा कि इसकी जरूरत है बहुत से लोगों ने कहा इसकी जरूरत नहीं है देखिए अगर जरूरत है तो लोगों ने कहा कि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि इट चेक्स द हेस्टी एक्शन ऑफ लोअर हाउस यानी कि जो लोअर हाउस है विधानसभा उसकी जो हेस्टी एक्शन होती है उसको चेक करने के लिए बहुत जरूरी है कि विधान परिषद होना चाहिए इसके अलावा देखिए अगर कोई इंसान है जो इलेक्शन लड़ नहीं सकता

पहले आप लोअर हाउस में डिबेट डिस्कशन करोगे फिर अपर हाउस में भी डिबेट डिस्कशन करोगे विच इज वेरी वेरी गुड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ 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 व्यू रिफाइनमेंट इसके अलावा अगर हम लोग बात करें देखिए क्यों जरूरत है आजकल लेजिस्लेटिव वर्क बहुत ज्यादा बढ़ चुका है बहुत ज्यादा नए एस्पेक्ट्स आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस तो शेयर कर सकते हैं लेजिस्लेटिव वर्क तो ये तो हो गया पॉइंटर आपका कि मुझे काउंसिल चाहिए लेकिन बहुत से लोगों ने कॉन्स्टर्ट असेंबली में काउंटर पॉइंट भी बताया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर रैदर अननेसेसरी क्यों क्योंकि देखिए एक तो अननेसेसरी ड्रेन होगा एक्सचेकर के ऊपर बहुत ज्यादा ड्रेन आएगा यानी कि एक्सचेकर के ऊपर लोड आएगा कि जबरदस्ती सैलरी देनी है उन बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा फॉर वर्किंग ऑफ द विधान परिषद ये आर्ग्यूमेंट दिया गया इसके अलावा जो भी नॉमिनेशन होगी ये नॉमिनेशन पार्टी लॉयल्स की होगी ये आर्ग्यूमेंट किया गया और बहुत हद तक ये होता भी है दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस इसके अलावा जिस तरह की हम लोग बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल ज नॉट एक्चुअली हाउस अगर हम लोग पावर्स कंपेयर करें लेजिसलेटिव काउंसिल की और राज्यसभा की तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर और भी कम है जैसे देखिए राज्यसभा इज मोर और लेस इक्वल टू लोकसभा एक्सेप्ट फॉर मैं कह सकता हूँ कि मनी बिल राइट एंड एक्सेप्ट फॉर दी नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड अ फ्यू अदर थिंग्स बट राज्यसभा के पास इक्वल पावर है कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना चाहते हैं तो इक्वल पावर्स है किसी ऑर्डिनरी बिल में अगर डिसएग्रीमेंट हो जाए तो ज्वाइंट हाउस की ज्वाइंट सेशन बुलाई जाती है तो इन सब चीजों में राज्यसभा इज इक्वल पावर लेकिन काउंसिल के पास इक्वल पावर नहीं है इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो एम होते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं दे डू नॉट वोट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सो देर पावर्स आर अगेन लिमिटेड इनफैक्ट कोई एक नॉर्मल लॉ भी है उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल रोक नहीं सकता है

बैलेंस्ड व्यू पॉइंट लाया गया संविधान में एक और आर्टिकल है आर्टिकल 171 सेवेंटी वन जहां पर कुछ सेफगार्ड दी गई है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का मिसयूज़ ना करें राज्य सरकारें अब क्या प्रोवाइड किया गया है प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड किया गया है कि आपकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल रहेगी उसका साइज लिमिट कर दिया गया ऐसा नहीं कि आप उसको बहुत बड़ा बनाएं और अपने बाकी सारे पार्टी के मेंबर्स को वहां पे नॉमिनेट कर दें ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्यों क्योंकि अभी स्टेट शल नॉट एक्सीड यानी कि क्या सेफ दिया गया जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है इट कैनॉट एक्सीड द साइज ऑफ वन थर्ड ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि अगर मेरे लेजिस्लेटिव असेंबली में तीन मेंबर्स हैं तो मेरी काउंसिल में सौ से ज्यादा हो नहीं सकता

टीचर्स आर इलेक्टेड बाई द ग्रेजुएट्स फ्रॉम दुएंसी संविधान में ही लिखा हुआ है और मैंने आपको कहा था की एक एडवांटेज क्या होता है लेजिसलेटिव काउंसिल कि वहां पे हम लोग टैलेंट ला सकते हैं जो लोग इलेक्शन लड़ के जीत नहीं सकते हैं जो लोग इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहते हैं अगर समझिए कोई इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट है राइट right? कोई सोशल uh, सर्विस में दे हैव एक्सपर्टीज तो उन लोगों को अगर हमें भेजना है लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो गवर्नर कैन नॉमिनेट वन सिक्स मेंबर्स फ्रॉम दीज फील्ड फ्रॉम विच फील्ड फ्रॉम आर्ट्स साइंस लिटरेचर सोशल सर्विस एंड प्लीज रिमेंबर कोऑपरेटिव मूवमेंट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू कोऑपरेटिव मूवमेंट अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें राज्यसभा की जैसा ही इनको अवधि दी गई है इट विल बी अ परमानेंट हाउस साल का टेन्योर रहेगा और हर दो साल में रिटायर होते रहेंगे वन थर्ड पीपल ये तो सब सेम सो बैलेंस हैज बीन प्रोवाइडेड तो जो हम लोगों ने देखा कि प्रो पॉइंट एंड कॉन पॉइंट उसको बैलेंस करने के लिए संविधान में ही चीजें दी हुई चलिए बात करते हैं अभी क्या सिचुएशन है इंडिया में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की कितने राज्यों में है? अभी फिलहाल छह काउंसिल है उत्तर प्रदेश इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी थी लेकिन आर्टिकल से 370 सेवेंटी अब्रोगेट हुआ है, तब से दैट काउंसिल है इसमें भी आपको ध्यान देना है आंध्र प्रदेश ने कहा है कि हमें काउंसिल नहीं चाहिए अब इसके ऊपर जब भी डेवलपमेंट आएगी तो वी विल ब्रिंग इट टू एज फोर एज पॉसिबल ऑन स्टडी आई लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वेस्ट बंगाल ने कहा है कि हम लेजिसलेटिव काउंसिल बना देंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ सुन कैन दे क्रिएट द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया स्टेप वन क्या होगा कि आर्टिकल 169 में सबसे पहला स्टेप क्या होगा राज्य सरकार यानी कि वेस्ट बंगाल में वो जब भी अपनी असेंबली कन्वीन करेंगे तो उन्हें

कि केवल एक रेजोल्यूशन असेंबली के पास होने से काउंसिल अबोलिश या बनती नहीं है उसके बाद पार्लियामेंट को एक बिल पास करना पड़ता है थ्रू सिंपल मेजोरिटी तब जाके वो काउंसिल बनेगी या फिर अबोलिश होगी अब अगर हम लोग सिचुएशन देखेंगे इंडिया में क्या चलता है चलिए मैं आपको कुछ केस स्टडी बताता हूं कि इंडिया में बहुत से स्टेट्स ने रिक्वेस्ट किया है रेजोल्यूशन पास भी किया है स्पेशल हैिटी लेकिन अभी भी दे आर पेंडिंग इन द पार्लियामेंट देखिए असम असेंबली ने वे बैक इन टू

अब आगे चल के हम लोग अंदेशा लगा सकते हैं कि तमिलनाडु से भी आएगा क्योंकि तमिलनाडु में हमेशा से जब भी ए आई के आता है तो वो नहीं चाहते कि काउंसिल हो जब भी डीएम के आता है वो चाहते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हो और इस बार के डीएम के द्राविड मुनराड़ेगम की मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा कि तो हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे तो शायद वो भी ऐसा एक रेजोल्यूशन लाए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए लेकिन ओनली टाइम विल टेल वेन दीज काउंसिल्स विल बी क्रिएटेड और अबोलिश बिकॉज इट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन पार्लियमेंट तो आगे चल के हम लोग एक अंदेशा जरूर लगा सकते हैं जिस तरह की पोलिटिकल सिचुएशन डेवलप हो चुकी है जहां पर वेस्ट बेंगाल और केंद्र सरकार आई है फ्रॉम द बिगिनिंग दिस इशू विल ऑल्सो बी वन ऑफ दोन ऑफ कंटेंशन क्योंकि वेस्ट बेंगाल असेंबली रेजोल्यूशन पास करने के बाद भी इट डिपेंड्स ऑन दर्लियमेंट वेदर टू पास इट और नॉट सो वी विल वेट एंड वॉच इसके ऊपर डेवलपमेंट आएगी तो वी विल ब्रिंग यू एज फॉर एज पॉसिबल ऑन स्टडी आई क्यू आई होप कि ये जो एंटायर अबोलिशन और क्रिएशन का जो इशू है वो आपको क्लियर हो चुका है क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार मेंस में सवाल आ चुके हैं लेट मी एंड माय डिस्कशन विद सम क्वेश्चंस, जहां पे आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल की कंपैरिजन ऑफ राज्यसभा की सवालें है, आते हैं, जैसे कि क्रिटिकली एग्जाम द रोल प्लेड बाई स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स यानी कि हैव दे बिन यूजफुल और नॉट लेट मी नो इसके अलावा राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में क्या अंतर है इनको कंपेयर कीजिएगा इनफैक्ट राज्यसभा को सेकेंड हाउस कहा जाता है टू तो अ लार्ज एक्सटेंट बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर काउंसिल्सर सेकेंडरी हाउसेस और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा का विषय यह बनेगा कि ट्राई टू एग्जामिन कि क्या हमें एक यूनिफॉर्म नेशनल पॉलिसी चाहिए फॉर अपर हाउसेस यानी कि अभी फिलहाल इंडिया में सिचुएशन क्या है पार्लियामेंट में लोकसभा है राज्यसभा यानी कि दो हाउसेस है छह राज्यों में दो हाउसेस है और बाकी राज्यों में क्या है एक ही एक हाउस है यानी कि केवल विधानसभा है तो आप मुझे बताइए एग्जामिन करके कि क्या हमें हमारे देश में एक पॉलिसी आनी चाहिए कि सारे राज्यों में एक अपर हाउस होनी चाहिए कि सारे राज्यों में विधान परिषद बनना चाहिए या नहीं इस चीज को आप एग्जामिन करके बताइए दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड थैंक यू फॉर वॉचिंग जय हिंद